हेलो स्टूडेंट्स, सो टुडे इज फोर्थ पार्ट ऑफ अवर चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। तो लाइफ प्रोसेसेस का जो हम आज पार्ट करने जा रहे हैं वो है ट्रांसपोर्टेशन। अब ये ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन मतलब जब भी हम किसी एक चीज को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाते हैं तो वो क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब ट्रांसपोर्टेशन में क्या चीज होती है, ट्रांसपोर्टेशन में ट्रांसफर होता है किसका, मटेरियल का। अब मटेरियल का जो है ट्रांसफर होता है, ये कहां से कहां तक होता है ये बात पता होनी भी जरूरी रहती है। देखो इसमें जो ट्रांसफर है वो हो सकता है स्टोरेज के लिए, एलिमिनेशन के लिए, या जहां पे वो चीज बनती हो वहां से जहां तक हमें लेके जाना हो वहां के लिए, यानी किसी भी पॉइंट से कहीं तक भी ट्रांसपोर्टेशन हमारी बॉडी में करवाया जा सकता है। जनरली किस किस चीज को ट्रांसपोर्ट करवाया जाता है, देखो ऐसे केस में हम ट्रांसपोर्ट करवाते हैं वाटर को, फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट, यानी कोई भी हमारी इस तरीके की चीज जो होती है जो हमारी बॉडी में या तो कंज्यूम करी जाती है या उसको बाहर निकालना होता है, उन सब चीजों के लिए किस मैकेनिज्म को फॉलो किया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन का जो मैकेनिज्म होता है इसको फॉलो किया जाता है। अब अगर हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन की माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बात करें, देखो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है क्या, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स है, तो सिंगल सेल में ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट ही है। हमारी बॉडी मल्टी सेलुलर है, ऑर्गन लेवल तक है, ऑर्गन सिस्टम है पूरा का पूरा, तो भाई एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाना है। यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जहां पे बना वहीं का वहीं रहेगा वो, फिर भी उसमें अगर थोड़ा बहुत ट्रांसपोर्टेशन होना है तो वो कैसे होता है, डिफ्यूजन के थ्रू हो जाता है। डिफ्यूजन के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन में क्या है, हाई कंसेंट्रेशन जो होगी वहां से लो कंसेंट्रेशन पे वो चीज पहुंच जाएगी, बट मेन हमें किसकी बात करनी है, ह्यूमंस की बात करनी है। आज का जो हमारा टॉपिक भी रहेगा वो सारा का सारा किसके ऊपर रहेगा, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस, मोस्टली हम इस पार्ट को ही कवर करेंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन अगर ह्यूमन से बात करें तो कैसे कैसे होता है, ट्रांसपोर्टेशन के हमारे पास दो सिस्टम होते हैं, एक तो हमारा ब्लड सिस्टम होता है और दूसरा हमारा लिम्फ सिस्टम होता है। तो फिलहाल हम जानेंगे आज की अपनी जो हमारी वीडियो रहेगी उसमें ब्लड सिस्टम के बारे में हम कवर करेंगे कि भाई ये ब्लड सिस्टम जो है किस तरीके से हेल्प करता है कवर वगैरह करने में, एक जगह से दूसरी जगह तक कैसे लेके जाया जाता है इसे, और इन्हीं सब चीजों से रिलेटेड अलग अलग क्या क्वेश्चन वगैरह बन जाते हैं, क्या डिफरेंस बिटवीन बनते हैं, क्या कोई डायग्राम वगैरह है जो पता होना चाहिए, इन्हीं सब पॉइंट्स को हम जो हमारी ये वीडियो भी रहेगी इस वीडियो में हम कवर भी करेंगे। अगर हम बात करें हमारा जो ब्लड पार्ट होता है, पहले हम ब्लड पार्ट में कवर करें, ब्लड के हमारे दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक कंपोनेंट होता है प्लाज्मा जो वाटरी पार्ट होता है जिसमें मोस्टली हमारा वाटर प्रेजेंट होता है, 90% से ऊपर वाटर रहता है इसमें, और दूसरा पार्ट होता है इसमें हमारे ब्लड के कंपोनेंट्स जिन्हें हम कॉर्पसेल्स भी कहते हैं। अब इन्हें कॉर्पसेल्स क्यों कहा जाता है, इन्हें सेल क्यों नहीं कहा जाता है, उसका कारण ये है कि ये नॉर्मल सेल की तरीके से बिहेव नहीं करते हैं, इनकी फंक्शनिंग, इनका बिहेवियर जो होता है वो इनके मुकाबले बिल्कुल ही अलग रहता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इन्हीं चीजों के बारे में कि भाई ये हमारा प्लाज्मा क्या फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है, या ये जो कॉर्पसेल्स वगैरह होते हैं ये किस किस तरीके के फंक्शन को, हाँ तो अब अगर हम ये जाने किस किस तरीके के फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं तो इसमें हमारा मेन क्या था, प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या कर रहा है, वाटर को कैरी कर रहा है, साथ ही साथ जितने भी कॉर्पसेल्स होते हैं इन्हें भी कैरी करता है। अब ये कॉर्पसेल्स होते कौन कौन से, ये होते हैं हमारे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो इनका जो फंक्शन है, इनका फंक्शन भी हमारे को पूरा पूरा पता होना चाहिए कि भाई ये किस तरीके से फंक्शनिंग करते हैं, क्या क्या काम करते हैं, इनमें बेसिक डिटेल है, कोई भी एडवांस ऐसी चीज हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे इस बार भी, जो आप बेसिक पहले तक पढ़ते आ रहे हैं लगभग वही चीजें आती हैं। जैसे रेड ब्लड सेल्स रेड कलर के होते हैं, इनमें कौन सा पिगमेंट होता है, हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से ही इसमें रेड कलर भी आता है,
और वो ऑक्सीजन कैरी करने का भी काम करता है, और वही इसका मेन फंक्शन है, O2 CO2 का ट्रांसपोर्ट। अगर हम बात करें WBC की, तो WBC क्या करते हैं, WBC हमारे को इम्यूनिटी प्रोवाइड कराते हैं, ये पैथोजेंस को किल कर सकते हैं, और भी इस तरीके के जो प्रोडक्शन में डिफेंस टाइप के जो मैकेनिज्म होता है, ये सारा का सारा WBC पे होता है। लास्ट हम बात करें प्लेटलेट्स की, तो प्लेटलेट्स क्या करते हैं, क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। तो अब इसके सिवाय अभी तो हमने बहुत सारी चीजें जानी ना, कि भाई फूड भी कैरी होना है, मतलब न्यूट्रिएंट्स वगैरह जितना होगा वेस्ट भी कैरी होना है, ये सारा का सारा काम जो होता है, ये सारा काम करता है प्लाज्मा। तो मेन जो ब्लड का वो ट्रांसपोर्टेशन वाला फंक्शन है, उसमें दो ही चीजें हमारी काम कर रही होती हैं, या तो हमारे आरबीसी काम करते हैं या प्लाज्मा काम करता है। इन दोनों चीजों के सिवाय और कोई भी ऐसा वो नहीं रहता है जो उतनी ज्यादा फंक्शनिंग कर रहा हो, या जो उतना ज्यादा काम वगैरह को परफॉर्म करता है ऐसे केस में। अब इनके साथ ही साथ और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, जो एक क्वेश्चन भी बनता है, वो क्वेश्चन बनता है डायरेक्टली फंक्शन ऑफ ब्लड। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर फंक्शंस ऑफ ब्लड। तो देखो ब्लड के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जनरली कोई भी क्वेश्चन आएगा तो भाई मैक्सिमम 5 मार्क्स में आ सकता है, या 3 मार्क्स में ऐसा कोई क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि 5 में तो भाई एक क्वेश्चन आता है, जनरली ए पार्ट बी पार्ट करके ही आता है उसमें। तो ऐसे केस में अगर हम यहाँ पे फंक्शंस वगैरह जाने, तो वो क्या क्या होते हैं भाई। सबसे पहला न्यूट्रिएंट्स का होगा, जो भी हम खाना वगैरह खा रहे हैं उसको एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का हो गया। फिर हो गया हमने जो अभी जाना CO2 और O2 का ट्रांसपोर्ट, इसको हम 2 पॉइंट बना के लिख सकते हैं, इसको हम 1 पॉइंट बना के लिख सकते हैं, वो हमारी चॉइस रहती है। फिर क्या हो गया, वेस्ट का हो गया, जो भी बॉडी में वेस्ट वगैरह जनरेट होता है उसको भी एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर के जाता है। और क्या हो सकता है भाई, पानी भी लेके जा रहे हैं, ठीक है। इसके सिवाय और भी बहुत सारे रोल होते हैं, जैसे ब्लड की वजह से हमारा टेम्परेचर मेंटेन रहता है, हमारी जो बॉडी होती है हमारी बॉडी का पीएच भी मेंटेन रहता है। तो कोई भी हम इस तरीके से पॉइंट लिख सकते हैं, जैसे टेम्परेचर का मेंटेन करके रखता है, हमारे पीएच को मेंटेन करता है, साथ ही साथ ब्लड का ही तो फंक्शन है भाई, क्लॉटिंग भी ब्लड की वजह से ही होती है, हमारा इम्यूनिटी का डेवलपमेंट भी ब्लड की वजह से होता है। तो बहुत सारे फंक्शन है। मेन चीज ये है कि अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि आप अटक जाए कि ये क्या चीज पूछ ली गई, या उसमें क्या है आप क्वालिटी पॉइंट्स नहीं लिख रहे हैं। जनरली क्या होता है, देखो जब आप पेपर वगैरह में आंसर लिख रहे हो, तो आंसर लिखने के टाइम पे आपको 2-3 पॉइंट तो बड़े अच्छे से आते हैं, उसके बाद के पॉइंट पे क्या होता है, आपको सारी प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है। तो इसीलिए यहाँ पे ये चीज जरूरी रहती है कि आपको ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स वगैरह जो है वो यहाँ पे पता रहे। हाँ भाई, तो देखो अब फंक्शन के बाद भाई ब्लड को कैरी करने की जरूरत है, ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह तक भी लेकर के जाना है, तो इस चीज के लिए काम करती है हमारी ब्लड वेसल्स। जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, ये इस चीज के लिए काम करती हैं। और ब्लड वेसल्स कितनी होती हैं आपको पता है इस चीज के बारे में, जो ब्लड वेसल्स हैं वो तीन होती हैं हमारी, जिनका क्या नाम होता है, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। तो ये हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं, जो इस तरीके से क्या करते हैं, किसी भी चीज को कैरी करने का, किसी भी चीज को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाने में या एक्सचेंज करने में क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं। अब किस तरीके से हेल्प करते हैं, क्या क्या इनसे क्वेश्चन वगैरह बन जाते हैं, ये चीज भी हमारे को पता होना चाहिए। जो मेन क्वेश्चन बनता है वो बनता है आर्टरीज और जो वेन्स होते हैं इनके डिफरेंस में। कैपिलरीज से डायरेक्टली डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन वगैरह नहीं बनता है, बट हाँ ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बनेगा ही नहीं या क्वेश्चन बन नहीं सकता है। तो अब अगर हम इन चीजों के बारे में बात करें, क्या क्या डिफरेंस के क्वेश्चन बनते हैं और किस किस तरीके से यहाँ पे डिफरेंस के पॉइंट्स हमारे को पता होना चाहिए, क्या क्या पॉइंट्स इसमें बनते हैं जो वैल्यू भी हो और क्वालिटी भी होगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहला पॉइंट इसमें बनता है डायरेक्शन। ये हम आर्टरी और वेन के डिफरेंस की बात कर रहे हैं, तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट बनता है वो बनता है डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब क्या होता है कि
किस डायरेक्शन में ब्लड को कैरी कर रही है। अगर हम बात करें आर्टरीज की, तो आर्टरी क्या करती है, हार्ट से ब्लड को लेकर के जाती है, विच मीन्स डायरेक्शनली अवे फ्रॉम द हार्ट। अगर इसी जगह पे हम वेन्स की बात करें, तो वेन्स क्या करती है, ब्लड को किधर की तरफ लाती है, हार्ट की तरफ लाती है। इसके बाद हमारा जो दूसरा पॉइंट इसमें डायरेक्शन के सिवाय बनता है, वो होता है स्पीड। तो देखो, जो हमारा हार्ट होता है वो क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, पंप करेगा तो डेफिनेट सी बात है स्पीड ज्यादा रहेगी। तो आर्टरी में जो हमारा ब्लड होता है उसकी स्पीड भी ज्यादा होती है, और जो वेन्स होती है उसमें उतनी स्पीड नहीं रहती है, कंपैरेटिवली स्पीड कम रहती है। अब इसके बाद अगर हम बात करें, अगला पॉइंट आता है हमारा जर्क्स। जर्क क्या मतलब क्या होता है, जो झटके होते हैं। तो क्या होता है, देखो जब हार्ट से ब्लड निकलता है तो जैसे हमारा हार्ट बीट कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग ही निकलता है, यानी वो गल्प्स में निकलता है। तो ऐसे केस में क्या होता है, लगातार ब्लड में जर्क्स वगैरह रहते हैं, बट जब वेन्स हमारे ब्लड को लेकर के आ रही होती है तो वहां बिल्कुल आराम से वो चीज चल रही होती है, तो कोई भी जर्क वगैरह ऐसे केस में यहाँ पे नहीं बनता है। इसके सिवाय और पॉइंट जो बनते हैं वो बनते हैं जैसे प्रेशर। तो भाई अगर हम बात करें, जैसे आर्टरी में स्पीड ज्यादा है तो डेफिनेट सी बात है जो ब्लड का प्रेशर होगा वो भी ज्यादा होगा, और वेन्स जो होंगी उसमें क्या होगा, जो प्रेशर होगा वो भी कम होगा। अब इसके बाद अगर बात करें, और भी पॉइंट्स बन जाते हैं, जैसे इंटरनल वेन्स। ये वेन्स क्या काम करते हैं, देखो जो ब्लड है वो एक डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, अगर वो कहीं से प्रेशर से निकला है तो डेफिनेट से वो वापस तो आ नहीं सकता, बट अगर वो आराम आराम से जा रहा है तो हो सकता है कि प्रेशर गड़बड़ हो जाए तो वो वापस आ जाए एक तरफ को। तो इस वजह से क्या होता है, आर्टरीज में कोई भी इंटरनल वेव्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, बट जो हमारी वेन्स होते हैं उसमें वेव्स प्रेजेंट होते हैं, ताकि ब्लड वापिस वहां पे ना आ जाए जिस जगह से वो निकला हुआ है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो, जैसे जनरली घर वगैरह में जो दरवाजे भी होते हैं उसमें क्या होता है, अगर आप एक तरफ से धक्का देते हो तो वो दरवाजे खुल जाएंगे, बट अगर दूसरी तरफ से धक्का देते हो तो क्या होगा, वो दरवाजा बंद हो जाएगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी होते हैं। अगर यहाँ पे एक पाइप के थ्रू देखे, यहाँ मैंने इस तरीके से लगा दिया इसे, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या, मैंने एक वेल लगा दी। अब ऐसे केस में देखो क्या होगा, अगर ब्लड इधर डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो ये वेन ओपन हो जाएगा और ब्लड आराम से निकल जाएगा, बट यहीं पे अगर हम बात करें कि ब्लड उल्टा जाने लगे तो ये क्या होगा, वेन यहाँ पे आएगा और यहाँ आने के बाद ये वेन बंद हो जाएगा, यानी उल्टा फ्लो नहीं हो पाएगा किसी भी तरीके से। अगर हम आर्टरी और वेन के साइज की बात करें तो ऐसे केस में क्या रहता है, देखो जो आर्टरी होती है वो थिक होती है, ये जो है हमारा ल्यूमेन कहलाता है ये पार्ट, और इसी जगह पे अगर हम एक वेन की बात करेंगे तो वेन कुछ इस तरीके से रहते हैं, यानी जो ल्यूमेन है वो पड़ा रहता है। तो आर्टरीज में क्या अंतर आ जाता है, देखो इसका भी एक अंतर आ जाता है कि आर्टरी में नैरो ल्यूमेन होता है, जबकि जो हमारी वेन्स होते हैं इसमें क्या होता है, ल्यूमेन बड़ा होता है। इसके सिवाय और भी डिफरेंस वगैरह बन जाते हैं, बट जनरली क्या है भाई, तीन डिफरेंस से पांच डिफरेंस आपको पता है तो वो आपके लिए सफिशियंट रहता है। फिर ये पॉइंट नहीं बनता कि आप उससे ज्यादा याद करो, अच्छी बात है जानो अच्छी बात है, बट अगर हम बात करें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो फिर उसमें करने का कोई उतना एडवांटेज हमारा नहीं बनता है। हाँ भाई, देखो आर्टरीज और वेन्स के बाद बारी आती है कैपिलरीज की। कैपिलरीज का आपको पता है वो क्या करते हैं, कैपिलरीज क्या करते हैं, देखो जो भी एक्सचेंज वाला सारा काम होता है, चाहे वेस्ट का हो, CO2 हो, ऑक्सीजन हो, फूड हो, वाटर हो, कोई भी चीज हो, वो सारा का सारा जो भी एक्सचेंज है हमारा, वो एक्सचेंज किसके थ्रू होता है हमारा, वो एक्सचेंज सारा का सारा हो जाता है हमारा आर्टरीज के थ्रू। अब ठीक है, आर्टरीज है, वेन्स है, कैपिलरीज है, ये सारे क्या काम कर रहे हैं, ये ब्लड को एक जगह से दूसरे जगह तक लेके जा रहे हैं, बट वो फोर्स कौन लगा रहा है हमारे ब्लड पे, वो हमारा जो पंपिंग ऑर्गन है उसे क्या कहते हैं, हार्ट कहते हैं। यहाँ हार्ट का एक डायग्राम है, देखो हार्ट का डायग्राम बनाना आना भी चाहिए और इम्पोर्टेंट भी है, बहुत बार ये चीज आ जाती है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, कुछ साइड बुक्स वगैरह को देखते हैं उसमें वो एक स्क्वायर बेस्ड डायग्राम दे रखा है, उस डायग्राम को बिल्कुल अवॉइड करो, वो डायग्राम आपके लिए फायदेमंद नहीं रहता है, क्योंकि बोर्ड उसको एक्सेप्ट नहीं करता है,
तो आपको एक प्रॉपर तरीके का डायग्राम आना चाहिए। डायग्राम एनसीईआरटी का बनाया हुआ है, लेबलिंग वगैरह से प्रॉपर करी हुई है, तो उसी तरीके का आपको डायग्राम भी आना चाहिए, ताकि अगर एग्जाम वगैरह में आए तो आप नंबर लेने के लिए इस तरीके के डायग्राम वगैरह बनाए, ना कि वो जो बॉक्स बेस्ड डायग्राम्स वगैरह होता है उनको। तो अगर इसकी बात करें तो सबसे पहले ह्यूमन हार्ट के बारे में आप जो सबसे पहली चीज जानते हैं, वो ह्यूमन हार्ट में चार चैम्बर होते हैं। अब वो चार चैम्बर देखो आप यहाँ पे, एक चैम्बर ये है हमारा, दूसरा ये रहा, तीसरा यहाँ पे, और चौथा जो है वो ये वाला चैम्बर है। तो चार चैम्बर होते हैं हमारे हार्ट में। ये जो चैम्बर्स होते हैं, ये हमारे जो हार्ट है वो लेफ्ट और राइट में डिवाइडेड होता है। जो वॉल हमारे हार्ट को डिवाइड करते हैं लेफ्ट और राइट में, वो होती है सेप्टम। सेप्टम की वजह से सारा का सारा अलग तरीके से रहता है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा जो अपर पार्ट होते हैं, यानी जो ऊपर वाला एट्रियम होता है पार्ट हमारा, और नीचे वाला पार्ट होता है वो हमारा क्या होता है, वेंट्रिकल होता है। तो एट्रियम्स जो है वो छोटे होते हैं, और जो वेंट्रिकल्स हैं वेंट्रिकल्स कंपैरेटिवली बड़े होते हैं। जो एट्रियम होते हैं वो एट्रियम हमेशा ब्लड को रिसीव करते हैं, और जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो ब्लड को रिलीज करते हैं। तो इस बारे में भी आपको ये पॉइंट भी क्लियर होना चाहिए कि जैसे डायग्राम वगैरह कई बार बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, इस चीज के साइज का ध्यान रखते हैं। थोड़ा बहुत ध्यान रखना चाहिए कि जो एट्रियम है वो साइज में छोटा ही बने, जो वेंट्रिकल है वो साइज में थोड़ा सा उसके मुकाबले बड़ा ही बने। अब इनके बारे में जानते हैं, इनकी फंक्शनिंग के बारे में जानते हैं। तो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम पल्मोनरी वेन से अपना साइकिल को स्टार्ट कर रहे हैं, और हार्ट के बारे में जानने को स्टार्ट कर रहे हैं। तो पल्मोनरी वेन जो है ये क्या करती है, ये लंग्स से ब्लड को लेकर के आती है। ये जो ब्लड होता है ये सारा का सारा ऑक्सीजनेटेड हो चुका होता है। तो अब पल्मोनरी वेन से जो ये ब्लड है हमारा, ये आएगा लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम जो है ये इस ब्लड को रिसीव करेगा। लेफ्ट एट्रियम जो है ये क्या करेगा, ये ब्लड पे प्रेशर को इंक्रीज करेगा, और प्रेशर इंक्रीज करने के बाद वो भेजेगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। जो भी हमारा ब्लड है वो सारा का सारा कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा वो सारा का सारा ब्लड। यहाँ पे हमारा ये जो बाइकस्पिड वेल्व देख रहे हो, ये बाइकस्पिड वेल्व क्या करता है, ये ध्यान रखता है कि किसी भी तरीके से वेंट्रिकल से एट्रियम में ब्लड ना आए। अगर ऐसा हो गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है, इसीलिए वेल्स क्या काम करते हैं कि उसका जो पुश है उसको हमेशा चेक करने का काम करते हैं। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो आर्टा के थ्रू, आर्टा जो होती है हमारी मेन आर्टरी, हमारी मेन आर्टरी जो होती है वो ब्लड को रिसीव करती है, और ये ब्लड को अपर पार्ट और लोअर पार्ट में भेज देती है। ये ब्लड सारा का सारा फिर वही ऑक्सीजनेटेड है, अभी हमारे बॉडी के ऑर्गन्स वगैरह तक जाएगा, और वहां पे क्या होगा भाई, जनरली ऑक्सीजन का एक्सचेंज वगैरह हो जाएगा, या न्यूट्रिएंट्स वगैरह किसी भी चीज का एक्सचेंज वगैरह हो जाएगा। ऑर्टा से जो वो ब्लड हमारा अब वापस आ रहा होगा, वो सारा का सारा ब्लड होगा डीऑक्सीजनेटेड। वो सारे के सारा जो ब्लड होता है उस पर आती है वेना कावा। जो वेना कावा होती है वो उस सारे के सारे ब्लड को लेकर के आती है, वो कैसा होता है, डीऑक्सीजनेटेड होता है। अब यहां से जो ब्लड होता है ये हमारा जाता है राइट एट्रियम। राइट एट्रियम क्या करता है, अब इस ब्लड को फिर से प्रेशर के साथ में धक्का देता है, और वो ब्लड जाता है हमारा राइट वेंट्रिकल। यहां जो ये राइट वेंट्रिकल है और राइट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल से एट्रियम में जाने के लिए जो वेल्व रोकता है उसे हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वेल्व। देखो बाइकस्पिड वेल्व में क्या होता है, एक से दो दरवाजे होते हैं, ट्राइकस्पिड वेल्व में तीन दरवाजे हो गए, जो क्या कर रहे हैं, ब्लड को बैक फ्लो को रोक रहे हैं, इसीलिए नाम क्या हो गया, ट्राइकस्पिड वेल्व हो गया। अब ये राइट वेंट्रिकल्स में हमारा जो भी ब्लड पहुंचा है ये सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड है, तो क्या किया जाता है, इस पे अब फोर्स लगाई जाती है, और इसे भेजा जाता है लास्ट हमारा पल्मोनरी आर्टरी। ये जो पल्मोनरी आर्टरी होगी ये ब्लड को लेकर के जाएगी फिर लंग्स में। लंग्स में फिर से हमारे ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा, और वहां से वो फिल्टर होकर के फिर से पल्मोनरी वेन में आ जाएगा। और ये जो हम साइकिल पढ़ रहे हैं, ये जो हम साइकिल यहाँ पे कर रहे हैं, ये साइकिल क्या है, लगातार अपने आप को रिपीट करती रहती है, और इसी तरीके से साइकिल जो है हमारी ये चलती रहती है।
हाँ भाई, तो जैसा हमने देखा, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्लड दो बार हमारे हार्ट में आता है एक कंप्लीट साइकिल में। एक बार वो लंग्स वाली साइकिल होती है जिसे हम पल्मोनरी साइकिल कहते हैं, और एक बार वो हमारी बॉडी वाली साइकिल होती है जिसे हम सिस्टमेटिक साइकिल कहते हैं। तो क्योंकि हमारा ब्लड जो है वो हार्ट में दो बार होकर के पास होता है, इसीलिए इस तरीके के सर्कुलेशन को डबल सर्कुलेशन कहा जाता है। ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में जनरली आता है कि व्हाई ह्यूमंस हैव डबल सर्कुलेशन या व्हाट इज डबल सर्कुलेशन, कुछ भी इस तरीके के क्वेश्चंस वगैरह भी इससे बन जाते हैं कि ये डबल सर्कुलेशन क्या होता है और ये सब चीजें क्या होती हैं। थोड़ा सा इसमें हम डिटेल वगैरह भी जान लेते हैं, वो थोड़ा सा हमका आउट ऑफ सिलेबस बन सकता है, बट जनरली वो आपके बेसिक सिलेबस वगैरह का ही है। कुछ ऐसी टर्म्स वगैरह हैं जिनका मीनिंग वगैरह भी आपको पता होना चाहिए, जिसमें सबसे पहले आता है डायस्टोल और सिस्टोल। देखो जब हमारा हार्ट एक्सपेंड करता है, जब इसमें क्या होता है ब्लड आता है हमारा हार्ट एक्सपेंड करता है, इस एक्सपेंशन को हम कहते हैं डायस्टोल। और जैसे ही हमारा यहां से ब्लड को पुश किया जाएगा, पुश करने के लिए क्या होगा, इस पार्ट को इस तरीके से श्रिंक होना पड़ेगा, और श्रिंक होने के बाद ही वो सारा का सारा ब्लड ऊपर जाएगा, तो इस चीज को हम कहते हैं सिस्टोल। तो इसी तरीके से लगातार चीजें चलती रहती हैं, और ये कॉन्ट्रेक्शन और एक्सपेंशन जो होता है इसी वजह से जो हमारी हार्ट बीट होती है वो भी हमारे को सुनाई आती है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि किस तरीके से हमारा हार्ट जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपेंड करता है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। हमारे पास दो तरीके की नोड्स होती है, एक नोड इस लोकेशन पे प्रेजेंट होती है और दूसरी नोड इस लोकेशन में प्रेजेंट होती है। सबसे पहले वाली होती है सीनो एट्रियल नोड और दूसरी होती है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। अब पहली नोड दूसरी नोड पे सिग्नल भेजती है और दूसरी नोड क्या करती है, यहां से सिग्नल को यहां सारी की सारी वॉल्स पर वो भेज देती है। अब इसकी वजह से क्या होता है, जैसे ही सिग्नल जाता है हमारा हार्ट एकदम से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड को बॉडी से बाहर, मतलब ब्लड को हार्ट जो होता है हार्ट से बाहर एक्सपेल किया जा सकता है, वो भी काफी अच्छे खासे प्रेशर के साथ। अब इसकी जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है लगभग 72 टाइम्स, और उसी चीज को हम हार्ट बीट भी कहते हैं या हमारा पल्स रेट भी कहते हैं। पल्स रेट जनरली क्या होता है 72 टाइम्स पर मिनट, यानी कि 72 टाइम्स पे क्या होता है कंप्लीट ब्लड में कॉन्ट्रेक्शन होता है, जो हमारा हार्ट होता है उसमें क्या होता है कॉन्ट्रेक्शन हो जाता है हमारे हार्ट में। अब देखो जैसे कि हम बात कर रहे हैं भाई, यहाँ पे लगातार प्रेशर वगैरह बन रहा है, कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, डायस्टोल है, सिस्टोल है, तो इन वर्ड्स का थोड़ा सा ध्यान रखना कि एक तो इनमें कंफ्यूजन ना हो कभी भी। साथ ही साथ इसी से हमारा एक कंसेप्ट और आता है जो होता है ब्लड प्रेशर का। ये ब्लड प्रेशर का था, ब्लड प्रेशर यानी क्या प्रेशर को ब्लड एग्जर्ट कर रहा है हमारे हार्ट की वॉल्स पे या आर्टरी वगैरह जो होते हैं इनकी वॉल पे। इसको मेजर करने के लिए जो मशीन हम यूज करते हैं वो होती है स्फिग्मोमैनोमीटर। अब इसमें हमारे दो तरीके के प्रेशर होते हैं, एक होता है सिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोल क्या होता है, जब हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट करता है, डेफिनेट सी बात है अगर हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो प्रेशर बढ़ जाएगा। जो हमारी नॉर्मल वैल्यू होती है सिस्टोलिक प्रेशर की वो होती है 120 nmHg। यहाँ पे Hg का मतलब होता है मर्करी, तो वो जो स्केल होता है उस स्केल में मरकरी 120 मिलीमीटर तक चला जाता है, तो वो हमारा सिस्टोलिक प्रेशर होता है। और इसी तरीके जब हमारा हार्ट रिलैक्स पोजीशन में होता है तो बनता है डायस्टोलिक प्रेशर, वो डायस्टोलिक प्रेशर होता है हमारा 80 nmHg। तो वहां पे क्या हो जाता है, ये प्रेशर बनता है, इसको हम नॉर्मल प्रेशर बोलते हैं, जिसको 80/120 या 120/80 इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब अगर मान के चलिए ब्लड प्रेशर ज्यादा है, तो कभी कभार क्या होता है एक्टिविटीज वगैरह, फिजिकल एक्टिविटी वगैरह करोगे तो भी ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है। इसके सिवाय कभी कभी इस चीज की प्रॉब्लम भी हो जाती है, तो ब्लड प्रेशर से रिलेटेड जो मेडिसिन वगैरह होती हैं उन्हें कंज्यूम करना पड़ता है, और हाई ब्लड प्रेशर को हाइपर टेंशन के नाम से भी जाना जाता है, तो इन चीजों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो यही था हमारा मेन जो ब्लड बेस्ड सिस्टम होता है उसके बारे में। अब इस सिस्टम के बाद हम जानते हैं जो हमारा दूसरा सिस्टम होता है ट्रांसपोर्टेशन का, जिसे हम क्या कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। तो अब हम जो पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे हम लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में।
इसके बारे में जानेंगे हम कि ये भाई लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है ये किस तरीके से वर्क करता है, इसमें और क्या क्या चीजें होती हैं। इसमें सबसे पहले आता है, जैसे वहां पे हमारा ब्लड होता है इसमें होता है लिम्फ। अब लिम्फ क्या होता है और क्या करता है ये चीज बता दीजिए। लिम्फ एक हमारा येलोइश कलर का फ्लूइड होता है, ये क्या करता है एक तरीके से ब्लड की अलग-अलग काम में हेल्प करता है। ठीक है, जैसे ये क्या कर सकता है भाई, इम्यूनिटी प्रोवाइड करा सकता है, फैट कैरी करता है, ये डेड सेल्स को कैरी करता है, यानी एक तरीके से क्या कर रहा है ये भाई, ब्लड की हेल्प कर रहा है, ब्लड पे इतना सारा लोड रहता है, अलग अलग तरीके के काम होते हैं जो ब्लड को परफॉर्म करने पड़ते हैं, तो उस चीज में एक तरीके से उसके लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने का जो काम होता है उसे परफॉर्म करता है। इसीलिए इसको कई बार मिडिल मैन भी कहा जाता है। मिडिल मैन कहने का जो इसका एक मेन पॉइंट होता है, जो एक मेन रीजन है कि इसको मिडिल मैन क्यों कहा जाता है, वो ये आता है कि भाई ब्लड और टिश्यू फ्लूइड जो होता है उनके बीच में जो भी हमारा ट्रांसपोर्टेशन करवाना है, एक जगह से दूसरी जगह तक सामान पहुंचाना है, उसके काम को ये लिम्फ बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर देता है। अब जो लिम्फ है भाई ये ट्रेवल कैसे करता है, जैसे वहां ब्लड वेसल्स है वैसे ही यहाँ पे लिम्फेटिक वेसल्स रहती है। ये जो लिम्फेटिक वेसल्स होती है ये क्या करती है, लिम्फ को कैरी करती है। एक बात का ध्यान रखें, लिम्फ वेसल्स कभी भी जो ब्लड होगा उसे कैरी नहीं करेंगे, ये हमेशा किसे कैरी करेंगे, जो हमारा लिम्फेटिक फ्लूइड होता है उसी को ये कैरी करते हैं। अब इसके बाद हमारा इसमें और एक चीज आ जाती है जिसे कहते हैं हम लिम्फ नोड्स, या वो पार्ट्स जहां पे जनरली हमारा लिम्फ का मेन प्रोडक्शन वगैरह रहता है उसके बारे में। तो मेन लिम्फ का कभी भी आता था, लिम्फ के बारे में 2 मार्क्स या मैक्सिमम 2 मैक्सिमम 3 मार्क्स में लिखने के लिए आ सकते हैं कि व्हाट इज लिम्फ, व्हाट आर इट्स फंक्शंस, कुछ इस तरीके से करके ही क्वेश्चंस वगैरह हमारा जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है इसमें बनते हैं। यही टोटल हमारा रहता है जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन वाला पार्ट रहता है एनिमल्स में। ठीक है, इसके बाद वाली जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम ट्रांसपोर्टेशन को कवर करेंगे प्लांट्स में, और साथ ही साथ एक्सक्रीशन वाला जो हमारा पार्ट रहेगा उसको भी हम अगली वीडियो में खत्म कर देंगे और इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। क्लियर? ओके, थैंक यू।